हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर माइल्स मोरालेस होने वाला है। अब देखो, पर्सनली सच बताऊं ना, मैं नहीं चाहता माइल्स मोरालेस मूवी के अंदर हो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता माइल्स मोरालेस के अंदर हो, लेकिन कुछ चीजें हमारे सामने आई है, यहाँ तक कि ऑफिशियल ट्रेलर के अंदर भी कुछ चीजें ऐसे दिखाई गई है जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, शायद इस मूवी के अंदर माइल्स मोरालेस हो सकता है। सो हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। अब अगर चैनल पे आई गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। तो सबसे पहले आपने स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर को डेफिनेटली देखा ही होगा। अब ट्रेलर के अंदर ना हमें माइल्स मोरालेस से रिलेटेड दो हिंट दिए गए हैं। पहला हिंट जो है वो है ये वाला, आप देख सकते हैं टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है वो गोल्डन और ब्लैक सूट के अंदर एक जगह के अंदर भाग रहा होता है। अब आप गौर से देख के अंदाजा लगा सकते हैं और कोई भी बोल सकता है कि ये जगह होने वाली है फीस्ट, जो कि हमने डेफिनेटली स्पाइडरमैन PS4 के अंदर गेम के अंदर देखी हुई है। और वहां पे कौन काम करता है? वहां पे काम करता है माइल्स मोरालेस। जी हाँ, तो ये है पहला हिंट कि स्पाइडरमैन नो वे होम में माइल्स मोरालेस हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे हिंट की। अगर आपको याद नहीं है तो स्पाइडरमैन होम कमिंग अगर आपने देखी होगी जो 2017 के अंदर आई थी, वहां पे स्पाइडरमैन मिलता है माइल्स मोरालेस के अंकल से। जी हाँ, माइल्स मोरालेस के अंकल से, जो कि एक्चुअली में बाद में जाके बनता है प्राउलर, जिसको प्ले करने थे आई थिंक डोनाल्ड ग्लोवर ने प्ले किया था। वहां पर हमें बताया गया था कि इस यूनिवर्स के अंदर प्राउलर है और एक डिलीटेड सीन के अंदर वो अपने अपने नेफ्यू को फोन भी करता है और बोलता है कि मैं आ नहीं पाऊंगा। Hey, just do, man. Yeah, sorry, Miles. I'm not gonna make it. Yeah, I'm just stuck. तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि अपने नेफ्यू से बात कर रहे हैं, प्राउलर है, यानी माइल्स मोरालेस का ये सेकंड ईस्टर एग है कि हाँ भाई, इस यूनिवर्स के अंदर माइल्स मोरालेस शायद एग्जिस्ट करता है। अगर बात करें थर्ड ईस्टर एग की, तो पूरे पूरे ट्रेलर के अंदर देखा कि एंड के सीन के अंदर हमें दिखाई जाती है एक लेडी कार के अंदर। अब वैसे तो देखकर कोई भी अंदाजा लगा देगा कि शायद ये एमजे की मॉम हो सकती हैं, लेकिन क्या इस बात के चांसेस नहीं है कि एमजे की मॉम ना होकर ये रियो मोरालेस हो सकती है, यानी कि हमारे माइल्स मोरालेस की मॉम, जो कि फीस्ट के अंदर ऑब्वियसली एक तरह से एक कह सकते हैं इंचार्ज का काम करती है। तो हाँ, इन तीन हिंट से जो कि ऑफिशियली हमें दी गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर माइल्स मोरालेस देखने को मिल सकता है। अब देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि इस मूवी को ना बहुत ज्यादा एक तरह से बढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ना कभी कभी डर भी लगता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम जो है वो गंदी वाली फ्लॉप ना हो जाए। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, बट आप देखो ना, सिनिस्टर सिक्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, तीनों स्पाइडरमैन, साथ ही साथ माइल्स मोरालेस, ये बहुत ज्यादा एक तरह से जैम पैक्ड सिचुएशन है। और मुझे लगता है कि अगर माइल्स मोरालेस को भी वो इसके अंदर घुसेड़ देंगे ना, तो ये कुछ ज्यादा ही ओवरकिल हो जाएगा, जो कि सोनी की तरफ से बहुत ही बुरा और बहुत ही गंदा मूव हो सकता है। अब अगर सोनी की बात करें तो सोनी आज की डेट में बहुत ज्यादा डेस्परेट है, मतलब बहुत ज्यादा वो चाहते हैं अपने स्पाइडरवर्स को, अपने यूनिवर्स को और एक्सपेंड करना। तो एक और स्पाइडरमैन अगर उनको मिल जाएगा, यानी माइल्स मोरालेस को मिल जाएगा, तो डेफिनेटली दे विल बी मच मोर हैप्पियर। बट क्या एक्चुअल में फैंस के लिए अच्छी बात होने वाली है? मुझे लगता है नहीं। लेकिन जब तक मूवी नहीं आएगी तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में इस मूवी के अंदर माइल्स मोरालेस होने वाला है या नहीं होने वाला है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं जो कि शायद आपने पुरानी मेरी वीडियोस के अंदर देखी भी होगी, और उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं, ये है एक पर्सन की जिसने मोशन कैप्चर का सूट पहन रखा है, एंड ही इज अफ्रीकन अमेरिकन, यानी ही इज अ ब्लैक गाय। तो या ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि ये जो बंदा है ये एक्चुअली में माइल्स मोरालेस हो सकते हैं इसके चांसेस। अभी हमारे सामने थोड़े से लीक आए थे, हालांकि मैंने अपने सोर्स से बात की, उस बंदे ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, मतलब उसने बेसिकली बोला कि मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता। तो वहां पर मैंने उससे पूछा कि एक्चुअली में क्या ये बंदा माइल्स मोरालेस हो सकता है, तो उसने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने कई जगह से पता किया, वहां पर मुझे पता चला कि ऐसा हो सकता है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद स्पॉइलर हो सकता है, मैं शायद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता है। तो वहां पर ये लिखा हुआ था कि शायद एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स से हमें माइल्स मोरालेस का इंट्रोडक्शन देखने को मिल सकता है, यानी जब सारे के सारे स्पाइडरमैन एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स में जाएंगे, वहां पर एक माइल्स मोरालेस हो सकता है, शायद वो हमारी इस यूनिवर्स में आकर माइल्स मोरालेस का सॉल्व कर सकता है। अब अगर मेरी बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में माइल्स मोरालेस है इन सारे हिंट को देखे तो, और लीक कह रहा है कि एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स में से माइल्स मोरालेस आएगा, आई एम टॉर्न बिटवीन बोथ ऑफ दैम। मुझे कन्फर्म नहीं हो रहा है, मैं कन्फर्म होकर नहीं बता सकता कि हाँ एक्चुअली में ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला, बट एज अ फैन मैं नहीं चाहता कि माइल्स मोरालेस का इंट्रोडक्शन एटलीस्ट स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर हो। उसके बाद हो, आई एम रेडी फॉर इट, पर स्पाइडरमैन नो वे होम में तो नहीं होना चाहिए। अब ये सारी की सारी चीजें आपने ऑलरेडी देख ली है, आपको क्या लगता है कि क्या एक्चुअल में माइल्स मोरालेस का हमें कैमियो एटलीस्ट देखने को मिलेगा स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
इस वीडियो का लाइक हम रख रहे हैं 2000, तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो फटाफट से, मेरी थोड़ी सी हेल्प करो, आपके लाइक और आपकी कमेंट्स है ना, आपके लिए तो एक सेकंड का काम है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर, बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।